प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है उसे अपना शीश काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश काम, क्रोध, भय, इच्छा तो त्याग नहीं सकता है, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद और इच्छा हमेशा रखता है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, आप इसे समझिए कि निष्काम भाव से भक्ति करिए, पूजा अर्चना करिए, और इसे समझ लिया तो यही आपके लिए आज का सफलता का गुरु मंत्र बन जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 8 मार्च मंगलवार विश्व महिला दिवस का आज का राशिफल। प्रिय साथियों, आप मुझसे अगर पर्सनली मिलना चाहते हैं तो 10-11-12 मार्च को मैं पणजी गोवा में हूं और बेलगांव की यात्रा पर हूं। साथ में 14 मार्च को दिल्ली, 19 और 20 मार्च को हैदराबाद और बेंगलुरु रहूंगा। 30-31 मार्च और 1 अप्रैल को मैं दुबई में रहूंगा। आप वहां पर्सनली मिल सकते हैं या रोजाना मैं टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ता हूं, आप उसमें भी मुझसे बात कर सकते हैं। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज पूरे दिन षष्ठी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाश योग, आनंद आदि अनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज बन रहा है। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग और रोचक योग का लाभ मिलेगा। वहीं दोपहर में 12:30 बजे के बाद चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष बन जाएगा। चंद्रमा क्योंकि 12:30 बजे के बाद उच्च राशि के वृषभ राशि में राहु के साथ चले जाएंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो आपको एक ही बार मिलेगा। दोपहर को 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है। कोशिश करेगा कि दोपहर 3 से 4:30 दोपहर तक आप राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करें। मेरे प्रिय साथियों, 6 राशि का राशिफल देखने के बाद हम गुरु मंत्र में बात करेंगे कर्ज मुक्ति के लिए खास उपाय। कार्यक्रम का अंत होगा आज का एस्ट्रो ज्ञान। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज पैतृक संपत्ति के मामले सुलझाइए। आपकी कोई गांव में संपत्ति है, पिता की है, ग्रैंड पेरेंट्स की है, उसका रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन या कोई तकलीफ है तो उसे सुलझाइए। बिजनेस को एक प्रोफेशनल नजरिए से देखिए, लाभ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से संबंधित व्यवसाय में फायदेमंद स्थिति रहेगी। प्रोडक्शन पर ध्यान दीजिए। ऑफिस में काम की अधिकता के कारण ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। फोन कॉल्स या ईमेल के जरिए कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। वाशी योग के बनने से धन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपका पैसा किसी चीज पर कहीं अनर्गल खर्च ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, ध्यान रखिए। आपका हर एक पैसा आपके लिए कीमती है, इसीलिए इसे सोच समझकर खर्च करिए। वर्क प्लेस पर आपके काम की बॉस द्वारा सराहना की जाएगी और पीठ पीछे भी आपकी तारीफ होगी। आपका पारिवारिक जीवन तो शानदार रहेगा, लेकिन किसी के साथ किसी बड़े मुद्दे पर बहस बदंगड़ का रूप ना बन जाए, ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यह एक बढ़िया दिन है। बहुत अधिक काम करने के बाद कमर दर्द और पैरों में तकलीफ हो सकती है, स्ट्रेचिंग करिए। वृषभ राशि, आपका आज IQ और EQ लेवल बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा, स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। बिजनेस से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए समय अच्छा है। नया काम स्टार्ट करने की प्लानिंग अब बना सकते हैं, तुरंत उस पर अमल करें जो इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलते हैं। शुभ समय के लिए दोपहर 12:15 से 2 बजे के लिए 2 बजे के बीच में ही कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह अगर रुकी हुई है, कोई ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए मन में व्यथा रहेगी, परेशानी रहेगी, इसे सोच समझ कर निर्णय लीजिए। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आपको कुछ निरस्ता का अनुभव रहेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ नया करने की अब योजना बना सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आगे की ओर बढ़िए, पीछे की बातें अब छोड़ दीजिए, मन इसी से खुश होगा। आपके लिए दिन सामान्य से बेहतर हो सकता है। सवेरा होने से पहले उठना अच्छी बात है, ऐसी आदतें स्वस्थ तन, मन और धन और बुद्धि के लिए अच्छी होती है। मिथुन राशि, खर्च बढ़ रहे हैं, कर्ज भी बढ़ रहे हैं, सावधान रहें। होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेजेस, डेली नीड्स, कन्वीनियंस स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, नई चुनौतियां मिलेगी, नया कोई वेंचर आप खोल सकते हैं। प्रयासों से समस्या का हल मिलता ही है, अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाने की जरूरत है। सरकारी नौकरी वाले लोग पब्लिक डीलिंग में सावधान रहें, आपकी एक गलती आपकी इमेज को खराब कर देगी। वर्क प्लेस से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं में उलझने की थोड़ी संभावना है। बुरी आदत से आज ही छुटकारा पा लें और कल्पनाओं के घोड़े मत दौड़ाइए, धरती पर आ जाए। प्रिय साथियों, संतान सुख और संतान से सुख, और स्पेशली संतान की गलतियों से आपको थोड़ा दुख होगा। आपके पारिवारिक आचार विचार थोड़े बिगड़े रहेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स,
एक अजीब सी कश्मकश और पशोपेश में रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता रखिए, क्योंकि आपका स्टोमक, लीवर, किडनी में कोई तकलीफ आ सकती है। जंक फूड और स्ट्रीट फूड से दूरी बनाकर रखें। सुबह सवेरे भागो, कूदो, अपना स्वास्थ्य बनाओ, जंक फूड को दूर भगाओ। कर्क राशि, छोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बहन हो, खुशी की खबर आप लोग जनरेट करेंगे, इससे परिवार में माहौल अच्छा बनेगा। जो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, स्पा सलून जिम चलाते हैं, कोई भी ऐसा श्रृंगार का काम करते हैं, तो आपको कुछ परिवर्तन जरूर करने चाहिए। ये परिवर्तन आपकी कोशिश से बेहतर परिणाम देंगे। साथ ही नई रणनीति बनाकर आज आपको आफ्टर सेल सर्विस और जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होते हैं, गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट होते हैं, उससे बेटर करिए। अनुभवी व्यक्ति का उचित मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से नौकरी में मन चाहे काम की जिम्मेदारी मिलने से सुकून और शांति मिलेगी। दोपहर बाद वर्क प्लेस पर काम करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप नौकरी बदलने या नौकरी में बदलाव की तरफ कहीं जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शानदार है। अपने रूटीन को थोड़ा बदल के आप शानदार कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके प्रयास आज हो सकता है काम के न हो, लेकिन फ्यूचर में अच्छे परिणाम जरूर देंगे। नतीजों की परवाह नहीं मुझे, प्रयासों का अपना अलग ही मजा है। हेल्थ पहले से बेटर है। बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी जॉब क्या है, आप किस काम से जाने जाते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप अपने काम में परफेक्शन लाइए तो आप देखेंगे कि टाइम चुरा लेंगे, और टाइम जब एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो फैशन, पैशन, हॉबीज, जिसको सिर्फ अभी बातें ही करते थे, जिस पर अब उसे अमल में ला सकते हैं। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग, आईटी प्रोफेशनल, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने वाले लोगों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। अपने वर्क प्लेस पर नई रणनीति बनाकर उचित स्टाफ के साथ सुर ताल और लय बिठाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से धैर्य और संयम से काम लेना ही होगा। नौकरी पेशा लोग अपने काम के तरीके में थोड़ा बदलाव करके आज के दिन में से समय चुरा लेंगे। वर्क प्लेस पर आधे दिन काम करेंगे और आधे दिन मन नहीं लगेगा। अपने काम में कुछ अच्छे लाभ पाने के लिए म्यूजिक का सहारा लीजिए। आपके और आपके भाई बहनों या परिवार के और सदस्यों बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाना ही पड़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की पूरी आवश्यकता है। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें सामंजस्य हो। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, इस पर ध्यान दीजिए। प्रिय साथियों, बात करते हैं कन्या राशि की। ज्ञान, विवेक, एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा, अच्छी समझ बढ़ेगी, स्मरण शक्ति शानदार हो सकती है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनुकूल समय है। गृह स्थिति बेहतरीन बनी हुई है। इस समय मार्केटिंग और अपने आसपास के लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करिए आने वाले दिनों के लिए, इस पर ध्यान देना जरूरी है। जॉब में अगर कोई परेशानी चल रही है या किसी व्यक्ति विशेष से कोई तकलीफ चल रही है तो आज शांति रखें। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट को लेकर बॉस से बहुत कुछ बुरा सुनना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। उचित समय का इंतजार करके ही अपनी बात को बोलना चाहिए। परिवार का माहौल आपको खुशी देगा। अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। आपके संतान आपका समर्थन करेगी और आपको बहुत अच्छा फील करवाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एकाग्रता के साथ काम करिए और सुबह सुबह जल्दी पढ़ाई करिए। ऐसी प्रैक्टिस करें खिलाड़ी जैसे कि कभी जीते नहीं, और ऐसे खेलें जैसे आप कभी हारे ही नहीं। सेहत पहले से बेटर है। मेरे प्रिय साथियों, आइए 6 राशियों बाद गुरु मंत्र में बात करते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए विशेष उपाय। ऋण एक अभिशाप है। कई बार तो कर्जा चुकाने के लिए कर्जा और लेना पड़ता है। इस ऋण को चुकाने के लिए आपको हनुमान जी को आज पान अर्पित करना चाहिए और थोड़े काले उड़द के दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, बूंदी के लड्डू, गुलाब के पुष्प, केवड़े का इत्र अर्पित करें। फिर कच्ची घाणी के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर आरती करें। इसके बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। आप देखिएगा, आपको शक्ति मिलेगी, आपके डिसीजन सही होंगे और उसके बाद आप धन कमाएंगे और तभी आप कर्ज चुका पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, बात करते हैं तुला राशि की। जिंदगी में कई ऐसे मसले होते हैं जो अनसुलझे होते हैं, आज उन्हें सुलझाने का प्रयास जरूर करिए। ग्रहण दोष के बनने से किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। कई व्यावसायिक मामलों में कोई नया निर्णय लेते समय दिक्कत आ सकती है। कमीशन, ब्रोकरेज, आईटी प्रोफेशन, फ्रीलांसर और सर्विस प्रोवाइडर लोगों को तकलीफ आ सकती है। वर्क प्लेस पर आपको नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। डू मोर। आपकी ऑफिस में किसी से झड़प हो सकती है, इसलिए किसी व्यक्तिगत जीवन पर बात किसी के नहीं करें, क्योंकि कई बार हम
किसी की पर्सनल लाइफ पे दखलंदाजी करते हैं, कुछ बुरे शब्द निकलते हैं, हमारी इमेज खराब हो जाती है। आपकी वाणी आज बहुत कठोर हो सकती है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र होता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। आपके वैवाहिक संबंधों में कुछ परेशानी आएगी। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आ जाएगी, अच्छा फील आप लोग करेंगे। वृश्चिक राशि। प्रिय साथियों, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, किस पार्टनरशिप से आप जुड़े हुए हैं उसमें बेहतरी लाने का प्रयास जरूर करें। जो लोग ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, डेली नीड्स, होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा आपको डेकोरेशन में परिवर्तन करना चाहिए, अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या जहां पर भी आप काम करते हैं। इसी से बिजनेस में उचित रणनीति बनाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। प्रिय साथियों, किसी कर्मचारी की वजह से आज आपको दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कोई आपका अपना आदमी आपको छोड़ के चला जाए। आंतरिक व्यवस्था पहले ठीक करिए। वर्क प्लेस पर अपनी उपस्थिति जरूर रखिए, वहां जहां आपकी जरूरत है, जहां आपका काम खत्म वहां से आप निकल जाएं। ऑफिस का माहौल अनुकूल बना रहेगा। वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाएगी। आप कुछ पेशेवर मुद्दों के बारे में चिंता में पड़ जाएंगे। काम के सिलसिले में दिन दोपहर तक कमजोर है, बाद में ठीक हो सकता है। प्रेम जीवन में यानी लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिहाज से आज का दिन बहुत शानदार है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका अनुकूल समय, जैसा दिन चाहते हो वैसा ही दिन आपको मिलेगा। धनु राशि। मानसिक तनाव से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए शुरुआत अच्छे से करिए। आज उन लोगों से मेल मुलाकात बनाइए जिनके साथ बैठना, उठना, बात करना आपको अच्छा लगता है। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, लोहा, आयरन ओर के बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए काम बहुत शानदार होगा और काम पूर्णता की तरफ बढ़ेंगे। अच्छे और नए ऑर्डर आपकी चिंता को दूर कर देंगे। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोपहर 12:15 से 2 बजे के मध्य समय आपके लिए अनुकूल है। ऑफिस के काम समय पर पूरे होते जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। अपने अनुसार स्थितियों से लड़ने की अब आदत डाल दीजिए जिससे आपको खुशी मिलेगी। आपके लिए दिन अच्छा है, बहुत अच्छा बना सकते हैं। घर परिवार वालों को समय दीजिए, परिवार के लोगों में प्रेम देखने को मिलेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सुखद परिणाम वाला दिन है। आप द्वारा की गई सेवा, कोई भी अच्छा काम, बुजुर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिलाएंगे। प्रिय साथियों, बात करते हैं मकर राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मेल मुलाकात, नए लोगों से जान पहचान, बहुत रास आएगी। वर्क प्लेस पे व्यवस्था अच्छी रखिए, मैस मत होने दीजिए, मैनेजमेंट करिए। रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। अनुभवी व्यक्ति की उचित सलाह, अपनी गलतियों से सीखकर, दूसरों के अनुभव से सीखकर आज आपके काम बन जाएंगे। नौकरी में मनचाहे काम की जिम्मेदारी मिलने से सुकून और शांति मिलेगी। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आपकी छवि और अच्छी होगी, सोच कार्य कुशलता और शानदार रहेगी। आपके लिए दिन फाइनेंस को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन अपने जीवन साथी से बात करिए, वो इसमें आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकती हैं या कर सकते हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में खट्टे मीठे अनुभव हमेशा होते रहते हैं। सरल भाषा में, दो तन एक मन, यही है दाम्पत्य जीवन। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी किस्मत आपके साथ है, आपको बहुत अच्छा फील करवाएगी। कुंभ राशि। दुर्गा माँ से आप अपनी माता जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आज प्रार्थना करिए। कंस्ट्रक्शन बिजनेस, आयरन ओर, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे लोग जो किसी प्रकार के तकनीकी काम कर रहे हैं, बिजनेस की स्थिति में सुधार आज देखने को मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी अपनाएं, डिसीजन सोच समझ के लें। बेहतर होगा कि अपने महत्वपूर्ण काम आज अच्छे और नए अंदाज में पूरे करें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़कर आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। समय दीजिए अपनों को। प्रिय साथियों, जो लोग आपसे दिल से जुड़े हैं उन्हें दिमाग से जवाब मत दीजिए। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। मानसिक और शारीरिक पीड़ा का अनुभव होने की संभावना है। ग्रहण दोष के बनने से आप संयुक्त परिवार वाला आनंद नहीं उठा सकेंगे। लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज एक त्याग करने से ही शांति मिलेगी। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सुस्ती और आलस्य में दिन कहीं जाया ना हो जाए, ध्यान रखिए। मीन राशि। प्रिय साथियों, साहस, करेज, एंथुसियाज्म, जोश में होश भी साथ में काम में लेना, यह आज आपके अंदर गुण आ जाएगा। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 से 2 बजे के बीच में समय अच्छा है। कई व्यावसायिक मामलों में नया निर्णय लेते समय थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचोगे तो डिसीजन सही लोगे। कमीशन, ब्रोकरेज, परसेंटेज से संबंधित काम वाले लोगों को सफलता मिलेगी। नौकरी में ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल, यात्रा करनी पड़ सकती है। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आप आज बोरियत महसूस करेंगे। बीच बीच में एंटरटेनमेंट और उन लोगों से बात करने का मौका न गंवाएं जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। प्रिय साथियों, अनमैरिड लोगों के विवाह के रिश्ते अब आ सकते हैं। शुभ और मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज ग्रुप डिस्कशन दोस्तों से करने के बाद ही आपको अच्छा फील होगा। शिक्षक,
मोमबत्ती की तरह होते हैं, वे खुद को जलाकर हम स्टूडेंट की जिंदगी रोशन कर देते हैं। आइए प्रिय साथियों बात करते हैं कार्यक्रम के अंत में आज के एस्ट्रो ज्ञान की। कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन राशि वाले लोगों के लिए शुभ है। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह राशि वाले लोगों के लिए सामान्य है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा संभल के रहने के दिन है। कोशिश करिए कि सुबह सूर्य उदय से पहले तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें 21 पत्ते पीपल के रखें, 21 बूंद गंगा जल के डालें और थोड़े से काले तिल मिला लें। फिर ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 बार उसके बाद जल को पीपल के पेड़ में विसर्जित कर दें, बहुत पुण्य और शांति मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहिए। मुझसे आप पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।